तो बात करो कल की मूवी की, तो कल की मूवी को कंपेयर किया जा रहा है ड्यून मूवी के साथ, और नो डाउट स्टोरी लाइन देखोगे तो बहुत सिमिलर है, सिनेमेटिक शॉट्स बहुत सिमिलर है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे ड्यून मूवी और कल की मूवी डिफरेंट डिफरेंट है। ड्यून मूवी बहुत हद तक इंस्पायर है इस्लामिक कल्चर से, और वहीं पर कल की मूवी इंस्पायर है हिंदुइज्म से, जो कल के अवतार जन्म लेंगे और उनकी मदद करें 8 चिरंजीवी काले राक्षस को खत्म करने में, कलयुग को खत्म करने में, तो उसके बारे में वो कहानी। अब जो ड्यून के राइटर है फ्रैंक हर्बर्ट, जब उन्होंने कहा था कि मैंने अपने मुसलमान दोस्त को ड्यून की कहानी बताई, तो वो सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए कुछ नया नहीं था। जैसे हमारे लिए महाभारत रामायण नहीं है, हम इसको हमारे इतिहास समझते, हम कहेंगे हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कहानी। लेकिन ड्यून मूवी बेस है जियो पॉलिटिक्स और इकोलॉजी के ऊपर, राजनीति और पर्यावरण, कैसे कुछ जगह के चलते राजनीति आ जाती है। और सबसे पहले इसमें दिखा है एरेकिस की जो लड़ाई थी वो सेम मिडिल ईस्ट में ऑयल के लिए जो हो रही थी, सेम उसी तरह दिखाई है। अगर तुम जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो तुम ये समझ जाओगे कि इस मूवी में सबसे पहले क्या दिखा है। और साथ में टी लॉरेंस की 7 पिलर्स ऑफ विजडम और द सेबर्स ऑफ पैराडाइज, इनसे भी इंस्पिरेशन ली गई है, जो मेसिया की कहानी है। इसमें एक मेसिया देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है लिसान अल गैब, साथ में मेहदी भी कहा जाता है, जो इनका हीरो है जो इनको बचाएगा। अब जो इसमें फ्रेमन दिखाए गए जो डेजर्ट में रहते हैं, जो डेजर्ट का बहुत बड़े तरीके से फायदे उठाते हैं, वो बहुत हद तक मिलते हैं बेडन ट्राइब्स से, जो एकदम बुरे से बुरे डेजर्ट में भी रह सकते हैं और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। और जो इसमें दिखा है कि फ्रेमन सूर्य जो पहनते हैं जिसमें वाटर रिसाइकल होता है, वैसे बेडन ट्राइब्स भी मोटे और लूज कपड़े पहनते हैं जिससे वो पानी बचा सके। तो बेसिकली ड्यून मूवी किसी ट्राइब ऐसे बहुत सारी चीजों से, नॉवेल से बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई है। वही पर कल की मूवी भी इसका ज्यादा फोकस होगा कल के अवतार के ऊपर। अब ड्यून मूवी जो थी मैंने उसके बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे, बहुत उसको क्रिटिकली अक्लेम किया गया था जब मैंने मूवी देखी, मुझे बहुत स्लो लग रही थी, लेकिन मैं कहूँगा एक ब्यूटीफुल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस था ड्यून मूवी, मैंने बहुत पसंद किया उस मूवी को। जब मैंने बैक टू बैक दो मूवीज देखी और जब मैंने नॉवेल्स पढ़ी, पुराने फिल्में देखी, बहुत रिसर्च किया, तो मुझे वो वर्ल्ड बहुत पसंद आया और ड्यून मूवी के एक परफेक्ट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देती है। तो इसकी स्टोरी भी सिंपल है, मूवी बहुत स्लो है, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटिक शॉट्स, ये दो चीजें इसको एक परफेक्ट सिनेमा बनाती है। स्लो बर्नर कर लो। अब बात करो कल की मूवी की, तो कल की मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक क्लिक हुआ था और लेकिन मानो पूरे हॉलीवुड लेवल बैकग्राउंड म्यूजिक था, जिसे हैंस ज़िमर करते या फिर AR रहमान जी ने दिया। और साथ में अब अश्वत्थामा देखोगे, दिल्ली में ये दिखा है कि अश्वत्थामा जी का यंग लुक मेरे ख्याल से वहां पर महाभारत का बैटल ग्राउंड दिखाया जाएगा, यानी ये समझ लो कि इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण भी दिख सकते हैं। और जैसे एक कई लीक्स भी आए थे, कई रूमर्स आए थे, काक भूषण जी जो हिंदुइज्म में टाइम ट्रैवलर माने जाते हैं, जिन्होंने रामायण 11 बार देखी है, वो भी दिख सकते हैं। तो बेसिकली ड्यून में जरूर इस्लाम से इंस्पायर थे वो मूवी, लेकिन उनके रिस्पेक्टेड वर्ड्स हमें देखने को नहीं मिलते उस मूवी में। लेकिन वही पर कल के मूवी में तुम्हें हनुमान जी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें 8 चिरंजीवी तो कल्कि की मदद करेंगे, तो 8 चिरंजीवी में हनुमान जी है, विभीषण जी है, जामवन जी है, परशुराम जी है, और साथ में जैसे हमें अश्वत्थामा जी का डीएज लुक देखने को मिले यानी अमिताभ बच्चन जी का, तो महाभारत भी देखने को मिलेगी यानी महाभारत जैसी एपिक स्टोरीज भी है। तो ड्यून बेसिकली एक इंस्पिरेशन मूवी थी, इंस्पायर थी, लेकिन उसमें ऐसे इस्लाम की पुरानी स्टोरीज या फिर उनके रिलीजन के रिस्पेक्टेड वर्ड्स नहीं देखने को मिले थे। वही पर कल के में हमें एपिक स्टोरीज भी देखने को मिलेगी हिंदुइज्म के, महाभारत के सिवा काक भूषण जी जैसे हिंदुइज्म के एपिक कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है सैडली। तो आप सोच सकते हो कि यह मूवी कितनी एपिक होने वाली है। साथ में इसका विलन भी जो है बहुत पावरफुल, काले डेमोन। बाय द वे आपको जानना है कि काले डेमोन कौन है, तो मेरा ब्रेकडाउन देख लो, मैंने एक्सटेंड किया है कि इसमें कौन से लेजेंडरी एक्टर काले राक्षस बनने वाले कल की मूवी में, और जैसे प्रभास खन्ना भैरव है तो कल के भी कौन हो दे। बेसिकली हमें अश्वत्थामा तो दिखाए गए, और साथ में कल की मूवी भी मुझे लगता है ट्रायोलॉजी बनेगी, क्योंकि कल के अवतार अच्छे तरीके से दिखाना मुश्किल है एक पार्ट में। अब ड्यून का जो वर्ल्ड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ड्यून में एक चीज देखने को मिलती है कि वहां पर AI आ चुका था, लेकिन उसके वजह से जो ह्यूमन साइकिल है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, तो उसकी वजह से उन्होंने AI के ऊपर बैन लगा दिया, AI कभी यूज नहीं करेगी ये तय किया। तो उसकी वजह से हमें ड्यून सिनेमेटिक यूनिवर्स में AI नहीं देखने को मिलता, जबकि
हम सोचते यार इतनी एडवांस वर्ल्ड है फिर भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम हो गए और सेम ही कॉन्सेप्ट ड्यून में देखोगे। अगर कल की भी नहीं आती तो ड्यून का भी कॉन्सेप्ट तुम्हें किसी पुराने मूवी की याद दिलाएगा, क्योंकि बहुत वो रूटीन टेम्पलेट है कि एक मसीहा आता है और अपने लोगों को बचाता है, लेकिन जो जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जो कल की किसी और तरीके से प्रेजेंट करेगी। कॉपी करना या फिर इंस्पायर होना बुरी बात नहीं, अगर तुम उसमें अपना विजन डालते हो और उस प्रोजेक्ट को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हो वैसे ही छाप दोगे तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि हमारे पास टैलेंट नहीं, लेकिन तुम अगर उसमें अपना विजन डालते हो तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और जैसे कि काफी चीजें मिल रही है तो डिस्टोपियन एरा का मतलब ये है कि सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है, तो दोनों मूवीज भी डिस्टोपियन एरा में ही सेट है। और मैं चाहूंगा कि इंडिया से ऐसे मूवी आए जो एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दे। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर बताओ।